छोटा सा पीपीटी दिखाएंगे, उसके बारे में हम इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। पॉसिबल हो तो फुल स्क्रीन पे अगर कर सके तो प्लीज देखिए। जब भी नैक लाइब्रेरी में अपने कॉलेज परिसर में आती है तो जो लाइब्रेरी का पार्ट होता है उसमें उनके संभावित क्वेश्चन क्या हो सकते हैं और हम उनकी कैसे तैयारी करें, इस बारे में हम आपको बताना चाहेंगे, जिससे कि आप इन क्वेश्चन के लिए मेंटली प्रिपेयर रहें और उनके लिए रिलेवेंट डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर लें। क्योंकि कोई भी टीम जो आती है वो हमारे कहने से नहीं मानती है, हमें उसके पूरे डॉक्यूमेंटेशन पूरे एविडेंस देना पड़ते हैं कि ये एक्टिविटी हमने कब करी और इसमें हमें बच्चों को इससे क्या फायदा हुआ। तो सबसे पहले लाइब्रेरी के बारे में यही है कि हर कॉलेज में एक लाइब्रेरी की सेपरेट बिल्डिंग है या नहीं, क्योंकि सेपरेट बिल्डिंग होने से बच्चों को बैठने की व्यवस्था रहती है, एक उनका एनवायरमेंट रहता है, स्टडी एनवायरमेंट रहता है, तो इसके लिए उनको लगभग सभी कॉलेजों में अपनी सेपरेट बिल्डिंग है। यदि आपके पास बिल्डिंग है तो आप उसमें मेंटेनेंस, क्लीनिनेस ये रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एनवायरमेंट फ्रेंडली होना लाइब्रेरी के लिए बहुत आवश्यक है। यदि आपके पुस्तकालय में धूल मिली, किताबों में धूल मिली, तो यह समझ आता है कि आपकी लाइब्रेरी उपयोग नहीं हो रही है, या आपकी पुस्तकें ताले में रखी हैं, अलमारी में रखी हैं, आप टीम के सामने ही उसका ताला खोल रहे हैं, उसको दिखा रहे हैं, तो ये बहुत बैड इंप्रेशन पड़ता है। तो जहां तक हो पूरी लाइब्रेरी को ओपन एक्सेस सिस्टम में रखना चाहिए, जहां विद्यार्थी जाके खुद अपने काम की किताब को सर्च करे। एक्चुअली जब विद्यार्थी सेल्फ में जाता है तो वो जिस बुक्स को सर्च करता है वो तो उसे मिलती ही है, साथ में उससे रिलेटेड बहुत सारी बुक्स उसको मिलती हैं, तो इससे हमारी लगभग सभी पुस्तकों का उपयोग पड़ जाता है। तो हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हम लाइब्रेरी में हमेशा ओपन एक्सेस सिस्टम रखें। ओपन एक्सेस सिस्टम जब हम रखते हैं तो विद्यार्थी बिल्कुल निर्भीक होकर पुस्तकालय में प्रवेश करते हैं और हमारे लाइब्रेरी का फुटफॉल बहुत अधिक बढ़ जाता है। सॉरी टू डिस्टर्ब यू मैम, आपकी पीपीटी स्टॉप हो गई, प्लीज फिर से शेयर कर दीजिए मैम। ओके ओके भैया, ये है कुछ कहानी हो रहा यार। सर वो आपके एंड पे कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं मैम, विजिबल नहीं है आपकी पीपीटी। नो मैम, पीपीटी दिख ही नहीं रही। नहीं दिख रही मैम, पीपीटी विजिबल नहीं है। एक मिनट, क्योंकि यहाँ से तो मतलब फिर से एक बार मैम शेयर करके देखिए प्लीज। वो अब वो ज्वाइन ही नहीं हो रहा, हम तो उसको कर रहे हैं, वो उन्हें ज्वाइन से आपके यहाँ से कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। अभी तो आप ज्वाइन है उसमें, शायद आपने ब्राउजर पे ओपन किया है ना? हाँ ब्राउजर पे ओपन किया है ना। जी ब्राउजर पे चले जाएं अपने मैम, और वहाँ पे राइट साइड पे जहाँ लीव मीटिंग लिखी वहाँ शेयर का ऑप्शन है। हाँ वो कर दिया ना शेयर, अब आपको दिख रहा है? अभी आपकी पूरी स्क्रीन दिख रही है मुझे, अब आप पीपीटी ओपन कर लीजिए। पीपीटी ओपन है, आप शेयर हुई कि नहीं? अच्छा नहीं अभी देखिए मैम, जब आप शेयर पे, हाँ अभी दिख रही है, ठीक है। यस अवेलेबल जी प्लीज। सो डज द लाइब्रेरी हैव इंटरनेट? आजकल ई लाइब्रेरी का जमाना है, तो ये बहुत मैटर करता है कि आपके पास कंप्यूटर है, इंटरनेट उसमें अवेलेबल है कि नहीं है, विद्यार्थियों को उसका एक्सेस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, और यदि मिल रहा है तो आपके पास उसका ऑथेंटिक डाटा अवश्य होना चाहिए कि पर डे हमारे पास कितने एकेडमिक कंप्यूटिंग के लिए विद्यार्थी आते हैं। हर चीज का हमारे कहने से नहीं होता कि हाँ हमारे पास इसका लॉगिन डिटेल रखना चाहिए। Does the library have extended appropriate working hours before and after the class hour? क्या हमने ऐसा कोई प्रावधान कर रखा है कि विद्यार्थी अपनी क्लास के पहले और बाद में पुस्तकालय का अधिक से अधिक उपयोग करें?
एग्जाम ड्यूरेशन में हम अपना एक घंटे पहले या एक घंटे बाद लाइब्रेरी को अधिक खोल सकते हैं। इवन कई कॉलेजों में लंच आवर में बंद हो जाती है तो उसको भी हम नहीं करें और इस तरीके से हम लाइब्रेरी के वर्किंग आवर्स को बढ़ा सकते हैं। इन देयर एनी डिफरेंट पॉलिसी फॉर कलेक्शन डेवलपमेंट। सॉरी फिर से मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ सेशन को। डॉक्टर आर पी गुप्ता सर प्लीज म्यूट कर ले अपने माइक को। डॉक्टर आर पी गुप्ता सर तुम्हारा नाम? डॉक्टर आर पी गुप्ता सर तुम्हारा नाम कैसे आ गया भाई? क्या आवाज जा रही है? रीवा से प्लीज डॉक्टर आर पी गुप्ता सर रीवा से माइक। धन्यवाद सर। प्लीज आप लोग अपने माइक को चेक कर लिया करें, बीच में अनम्यूट ना हो जाए। जी मैम प्लीज कंटिन्यू करें। मे बी मैम शायद म्यूट टू ऑल किया था तो आप भी म्यूट हो गए। प्लीज आप अपने माइक को अनम्यूट कर लें मैम प्लीज। अभी शेयरिंग है ना मैम? शेयरिंग है बट आपका स्क्रीन दिख रहा है। पीपीटी पे चले जाएं प्लीज। हाँ अभी दिख रहा है। हाँ अभी पीपीटी दिख रहा है। In there any defined policy for collection development, stock verification, training for the list professionals? ये बहुत important part है क्योंकि जितनी भी नई technology आ रही है तो हमारा जो library staff है क्या उससे अवगत है? क्या हमने ऐसा कोई प्रावधान किया है कि उनको कोई training दी है जिससे library अच्छे से चल सके? सबसे बड़ी बात आती है collection development। कोई एक डिफाइंड पॉलिसी होना चाहिए कि आप कलेक्शन डेवलपमेंट कैसे करते हैं। लाइब्रेरी में किताबें हम अपने मन से तो नहीं खरीद सकते। एज पर सिलेबस क्या हम अपने जो टीचिंग स्टाफ है जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं उनसे सजेशन लेते हैं, उनसे लिस्ट लेते हैं, या विद्यार्थियों के रिकमेंडेशन को भी हम एंटरटेन करते हैं, या फिर हम बुक फेयर लगाते हैं? कोई एक डिफाइंड पॉलिसी होना चाहिए और इस पॉलिसी के एविडेंस होना चाहिए कि हम इस तरीके से हम अपना कलेक्शन डेवलपमेंट करते हैं जिससे क्वालिटी कलेक्शन डेवलपर होता है। एज पर सिलेबस एज पर कैरिकुलम हम अपने इस कलेक्शन डेवलपमेंट को आगे बढ़ाते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि मान लीजिए हमारे पास कोई यूनिफाइड किताब 100 कॉपी है, इसका बहुत निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि यूनिफाइड पुस्तकों की लाइफ नहीं होती। तो हमें एक रेशियो रखना चाहिए कि हम अपने बजट में कितना रेफरेंस खरीदेंगे, कितना टेक्स्ट खरीदेंगे, और इस तरीके से हमें अपने कलेक्शन की एक डिफाइंड पॉलिसी होना चाहिए। स्टॉक वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये हमारी स्ट्रेंथ्स को बताता है कि हम कितने हमारे जब हम वेरिफिकेशन करते हैं तो हमें अपने सर्कुलेशन डाटा भी पता चलता है, कौन सी पुस्तक कितने बार उपयोग हुई, क्या वो अब पढ़ने योग्य रही कि नहीं रही। तो इस तरीके से स्टॉक वेरिफिकेशन एक ऐसा टूल है जिससे हम अपने लाइब्रेरी की कलेक्शन को अपडेट रखते हैं, इसमें से पुरानी फटी किताबें निकाल देते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके भी आपने यदि साल दर साल किया हो तो इसकी एविडेंस रखिए, कौन सी कमेटी बनी थी, गवर्नमेंट ने आपके जो प्राचार्य हैं उनने क्या आदेश निकाला था। तो ये भी एक स्टॉक वेरिफिकेशन पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसी तरीके से ट्रेनिंग आपके जो स्टाफ है इन्हें किसी तरीके की ट्रेनिंग दी है क्योंकि उससे आपकी दक्षता का पता चलता है कि आप अपने फील्ड में कितने मास्टर हैं। डज द लाइब्रेरी हैव अ लाइब्रेरी एडवाइजरी कमेटी? लाइब्रेरी एज लाइब्रेरियन अकेला होता है, पूरे कॉलेज में लाइब्रेरियन अकेला होता है। अकेले कोई भी चीज जो होती है वो प्लान वे में नहीं होती, हमें भी किसी के सहयोग की और किसी के मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है। तो लाइब्रेरी एडवाइजरी कमेटी वो होती है जो हमें किस दिशा में विकास करें या हम अपनी रिकमेंडेशन उनके पास रखते हैं कि हमें लाइब्रेरी में ये चाहिए। ये हम कैसे डिमांड करेंगे? जब हम सारे स्टैटिस्टिकल डाटा कि हमारे यहाँ 100 बच्चे प्रतिदिन आते हैं, हमारे यहाँ वाटर कूलर नहीं है, या हमारे इतने बच्चे बैठते हैं उस हिसाब से फैन का अरेंजमेंट नहीं है, हमारे पास सिटिंग कैपेसिटी नहीं है, ये कैसे हम बता पाएंगे? जब हमारे पास 10 पूरे डाटा होंगे कि पर डे सर इतने डाटा आते हैं, हमें इतनी सिटिंग अरेंजमेंट की जरूरत है, इतने हमारे पास कंप्यूटिंग के लिए बच्चे आते हैं इसलिए हमें इंटरनेट सेक्शन में इतने कंप्यूटर की जरूरत है,
हम अपनी मांग को डायरेक्ट ना रख के अपनी मांग को और जस्टिफाई करने के लिए एडवाइजरी कमेटी के सामने रखते हैं, जो कि अपनी अनुशंसा और उसके जस्टिफिकेशन को देख के हमारी अथॉरिटीज के सामने रखते हैं और हम इस तरीके से एक सही दिशा में पुस्तकालय का विकास कर पाने में सफल होते हैं। तो ये भी आप अपना रिकॉर्ड रखिए, कब आपने मीटिंग की, उस मीटिंग में क्या एजेंडा था, एजेंडे पे क्या डिसीजन हुआ और आपके जो अथॉरिटी है उनने इस पे क्या एक्शन लिया। ये रिकॉर्ड बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि ये बहुत पावरफुल कमेटी होती है। ये आपका जो भी बजट मिलता है उसको कैसे सही तरीके से उपयोग है, इसमें बहुत बड़ी भूमिका होती है। लाइब्रेरी फंक्शन आर ऑटोमेटेड और नॉट, क्या आप लाइब्रेरी में जो भी काम करते हैं, इश्यू रिटर्न हो, रिकॉर्ड कीपिंग हो, आपके डेटा हो, आपका जो ट्रांजैक्शन सिस्टम है, आपका स्टाफ, आपकी कमेटी, आपके रूल्स, आपके पॉलिसीज, आपके डिफरेंट टाइप के फॉर्म, जैसे आप नोटिस फॉर्म बनाते हैं, मेंबरशिप फॉर्म बनाते हैं, सब ऑनलाइन होना चाहिए। विद्यार्थी बिल्कुल हजल फ्री होकर आपकी लाइब्रेरी को ज्वाइन करे और सिर्फ रीडिंग एंजॉय करे। हमें उसको कोई भी टेंशन नहीं देना है, हर चीज उसको एक क्लिक में पता चल जाए कि ये किताब इशू है, ये अवेलेबल है, ये इशू सेक्शन में, ये रेफरेंस सेक्शन में है, इस तरीके से हर बुक का स्टेटस। तो हमें ये देखना है, सिर्फ हमें ये नहीं है कि बुक की डाटा एंट्री कर ली, बुक की डाटा एंट्री के बाद इशू रिटर्न कर दिया और हमारा काम वहां खत्म हो जाता है। नहीं, हमें सारे फंक्शन जो भी हैं ई गवर्नेंस पे ध्यान देना है। लाइब्रेरी का ई गवर्नेंस कैसे हो कि एक क्लिक में SC ST की जानकारी, एक क्लिक में हमने क्या उनको डिस्ट्रीब्यूट किया, इवन बच्चों ने क्या फीडबैक दिया। जो भी ई ग्रंथालय यूज कर रहे हैं वो इस चीज को बहुत अच्छे से जानते होंगे कि किस तरीके से वो पूरा प्लेटफॉर्म ऐसा है कि हम ये सारे काम ऑटोमेटेड तरीके से कर सकते हैं और बहुत इजी भी है, मतलब इसमें हमें कोई विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता भी नहीं है। तो ये भी एक क्वेश्चन नेक की तरफ से हमेशा पोस्ट किया जाता है कि आपकी लाइब्रेरी में कौन से फंक्शन ऑटोमेटेड है और यदि है तो हमें उसको आप पोर्टल में दिखा दीजिए। आप नए का मतलब आना मतलब ये था कि हम लोगों ने जो भी काम कर रहे थे वो सारे ऑनलाइन दिखाए थे, मतलब वो हमने अपने पोर्टल पे सारे दिखाए थे। तो इसका एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, इससे ना सिर्फ लाइब्रेरी बल्कि ये पता चलता है कि दूसरे लोगों का भी, आपके कॉलेज के, आपकी फैकल्टी के, आपके बच्चों का भी कितना कीन इंटरेस्ट लाइब्रेरी के प्रति है। और जब आपकी टीचिंग लर्निंग का कोई एक इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जो लाइब्रेरी है, जो आपके दूसरे जो इंडिकेटर है उन सब पे इम्पैक्ट पड़ता है उसका, कि स्टडी अच्छी हो रही है, लाइब्रेरी अच्छी है, तो एक दूसरे का सब पे प्रभाव पड़ता है और वो इस माइंडसेट से आगे बढ़ते हैं। तो हमें किसी भी पार्ट को कमजोर नहीं छोड़ना है, चाहे हमारे मार्क्स किसी भी इंडिकेटर में कुछ भी हो, जो भी हो, हमें उसके जितने भी क्राइटेरिया है, जितने भी उसके पैरामीटर है, वो सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेट होते हैं। तो हम इतना सही नहीं सोचे कि अरे हमारी तो लाइब्रेरी है जमके, नहीं, हमें सारे डिपार्टमेंट से कोरिलेट करके अपने डेटा इकट्ठा करना है। हमने डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी को कितनी पुस्तकें भेजी, वहां वो कितनी उपयोग हो रही हैं, क्या वो उपयोगी नहीं है, उनको वापस सेंट्रल लाइब्रेरी में लेना, उन्हें नई पुस्तक, तो सारे डिपार्टमेंट की सारी एक्टिविटी लाइब्रेरी से इंटरकनेक्टेड होती है। हम किसी भी चीज को अंडर एस्टिमेट करके नहीं चल सकते। इसी तरीके से लाइब्रेरियन है समय समय पर रिफ्रेशर कोर्स, ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स और वर्कशॉप सेमिनार, ये जितना आप अटेंड करते हैं तो आप अपनी फील्ड में दक्ष होते हैं। ये हमने वो चीज डिस्कस करी जो कि अमूमन एक 3-4 बार हमारे यहाँ नैक आई है और उनने इस बारे में हमसे जरूर डिस्कस किया है, इसलिए मैं आपके साथ में डिस्कस किया। आप अपनी कुछ तैयारी इन बिंदुओं के आधार पर कर सकते हैं। अब इसमें यूज ऑफ सर्विसेज, यूज ऑफ सर्विसेज को आप कैसे डिफाइन करेंगे कि आपने लाइब्रेरी जमा ली, आपके यहाँ हजारों किताबें हैं, लेकिन यदि आपका ट्रांजेक्शन उसमें से 20-25 है तो वो उस कलेक्शन का कोई वर्थ नहीं है, वो लाइब्रेरी नहीं, एक शोकेस हो जाएगी। तो हमें उनके पैरामीटर को फिक्स करना है कि रेशियो क्या है। यदि हमारे पास 50,000 किताबें हैं या 30,000 किताबें हैं तो पर कैपिटा कितनी किताबें हैं, पर यूजर रेशियो क्या है उसका। एक यूजर के लिए हमारे पास 10 किताबें हैं या एक यूजर के लिए हमारे पास 100 किताबें हैं, ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हम पुरानी किताबें निकाल देते हैं तो हम नए रेशियो के अनुसार कि हमारे पास रिसेंट में 3,000 बच्चे हैं और हमारे पास नई जो पाठ्यक्रम से संबंधित किताबें हैं, कैरिकुलम से रिलेटेड बुक्स हैं, वो इतनी हैं,
तो वो एक पर रेशियो निकल आता है कि यदि हमारा पर रेशियो निकल आता है तो हमें उनको डिलीवर्ड सर्विस भी देखना पड़ेगी कि नंबर ऑफ सर्विस डिलीवर्ड पर कैपिटा पर मंथ, एक अमूमन एक यूजर को हम कितनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं एक महीने में, वो किस टाइप की सर्विसेज की हमसे उम्मीद करता है। हम लाइब्रेरियन मतलब अभी जो रिसेंटली डेवलपमेंट हुआ है उच्च शिक्षा में, तो लाइब्रेरीज पे बहुत ज्यादा ध्यान देने दिया जाने लगा। पहले ये फील्ड थोड़ा उपेक्षित थी, अच्छा लाइब्रेरी है, खुलती है, सुबह खुल जाती, शाम को बंद हो जाती, इतनी डीपली कोई नहीं देखता था। लेकिन अब ये जैसे कहते हैं ना, टॉक ऑफ द टाउन बन गया है कि आपके यहाँ कितने यूजर आते हैं, रेफरेंस में बैठते हैं। तो ये हमारी स्ट्रेंथ है, ये सरकार का हमारे प्रति एक पॉजिटिव रवैया है कि हमें इतना उन्होंने रिसोर्सफुल किया और इतना महत्व दिया जिससे कि हम ये डेटा अपने मेंटेन कर पा रहे हैं। तो हमें कुछ ये भी ध्यान देना चाहिए कि हम लाइब्रेरी में जो सर्विस है जो असाइन हमें की गई है, हम कितनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, किस मात्रा में प्रोवाइड कर रहे हैं। एवरेज नंबर ऑफ यूजर हु विजिटेड और डॉक्यूमेंट कंसल्ट पर मंथ, पर मंथ हमारे पास कितने बच्चे आते हैं, विजिट करते हैं, डॉक्यूमेंट को कंसल्ट करते हैं। एवरेज नंबर ऑफ बुक इशूड रिटर्न पर डे, जो भी ई ग्रंथालय यूज कर रहे हैं वो इस चीज को अच्छे से जानते हैं कि पर डे का रिकॉर्ड हमारे अथॉरिटीज के पास, कमिश्नर के पास, जो भी हमारी अथॉरिटीज है वो लॉग इन करके कहीं से भी हमारे रिकॉर्ड को क्रॉस चेक कर सकती है। इसलिए इसमें हम कोई मतलब अपना कोई इसमें मैनिपुलेशन नहीं कर सकते, हमें एग्जैक्ट डेटा दिखाने पड़ेंगे और इसका रिकॉर्ड हमें अच्छे से रखना पड़ेगा। नंबर ऑफ रेफरेंस इंक्वायरीज ऑन एन एवरेज पर मंथ, लाइब्रेरियन जो होते हैं बहुत सारे काम करते हैं लेकिन बहुत सारे कामों का रिकॉर्ड नहीं रखते। लाइब्रेरी में बहुत बच्चे आते हैं लेकिन हम कितनों का रिकॉर्ड रखते हैं। कोई पूछने आ गया कि मैडम ये है क्या, मैडम ये जानकारी कहाँ मिलेगी, हमें ये प्रोजेक्ट बनाना है, यहाँ मिल जाएगा क्या, हम बताते सब हैं लेकिन हम रिकॉर्ड नहीं रखते। तो प्लीज अपने रेफरेंस सेक्शन में जो भी इंक्वायरी आती है कॉलम बनाइए, उसका रोल नंबर लिखिए, उसने क्या इंक्वायरी करी, क्या वो पूछ रहा था और वो सेटिस्फाइड हुआ कि नहीं। किसी भी बच्चे का सेटिस्फेक्शन रेशियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो हम उसको लास्ट लिमिट तक जाके सेटिस्फाइड करें। यदि हमारे पास कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट नहीं है, हम उसकी हेल्प करें कि नहीं नहीं ओपन डेटाबेस है हमारे पास, हम उसमें सर्च करके तुम्हारे काम की चीजें तुम्हें उसकी लिंक देते हैं। यूजर का सेटिस्फेक्शन रेशियो, लाइब्रेरी एक सर्विस प्रोवाइडिंग एजेंसी है और जितना हम यूजर को कस्टमर को सेटिस्फाई करेंगे वो माउथ पब्लिसिटी करेगा कि नहीं लाइब्रेरी जाओ, वहां तो मैडम सब कुछ बता देती हैं। ये इसलिए एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बच्चों पे पड़ता है और वो हमारी लाइब्रेरी में आते हैं। इन सारे को पूरा करने के लिए हमें अपने लाइब्रेरी में कुछ एफर्ट्स करने पड़ते हैं, कुछ अपने ऑब्जेक्टिव बनाने पड़ते हैं कि हम इनके लिए क्या क्या करें। हम लाइब्रेरी को अपना जो भी कलेक्शन है टीचिंग लर्निंग सपोर्ट के लिए तैयार करेंगे, उसका कलेक्शन बिल्टअप अच्छे से करेंगे, जरा भी लापरवाही नहीं करेंगे, जितनी मेहनत हो सके हम अच्छे सब्जेक्ट की बुक सब्जेक्ट एक्सपर्ट से उसकी लिस्ट लेंगे और उस कलेक्शन को सही दिशा में विकसित करेंगे। लाइब्रेरी को एक वाइब्रेंट लर्निंग यूनिट की तरह, ये नहीं है कि रूल्स बना दिए, नहीं आज तो दो से, हमारे यहाँ तो इशू भाई दो से तीन होता है, आज तो सिर्फ बीए को इशू होगा, आज तो बीएससी नहीं, ऐसा नहीं करना है। ओपन फॉर ऑल डेज, सर जो भी यूजर है आप 10 से 5, 10 से 5:30 सबके लिए ओपन रखिए। बिल्कुल वेरिएशन मत करिए कि आज बीए का आएगा, आज बीएससी का आएगा, 10 से बजे आएगा, 2 बजे आएगा, फलाना 1 बजे, नहीं। यदि हमें लाइब्रेरी में स्ट्रेंथ बढ़ानी है, क्योंकि उनकी क्लासों के एंगेजमेंट रहते हैं, बच्चा जब फ्री होगा तभी तो हमारे पास आएगा ना, और उसमें भी यदि हमने उसको टोक के वापस कर दिया तो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है और बच्चा दोबारा कभी आता ही नहीं है कि इनके पास तो जब जाओ ये मना कर देते हैं। तो प्लीज जो भी प्रोफेशनल्स लाइब्रेरी प्रोफेशनल इसमें जुड़े हुए हैं, मेरा एक रिक्वेस्ट है, ऐसे नियम मत बनाइए जो हमारी लाइब्रेरी का नेगेटिव इम्पैक्ट एकेडमिक कम्युनिटी के बीच में छोड़े। कन्वर्ट पोटेशन यूजर टू हैबिचुअल यूजर, जो भी यूजर हमारे पास आता है उसको हम अच्छे से एंटरटेन करें, और जब आप उसको अच्छे से अटेंड करेंगे तो जो कभी कभी आता है वो आपसे प्रभावित होकर रोज आने लगेगा, आप उसकी बस हेल्प करिए वो रोज आएगा। स्टूडेंट में रीडिंग हैबिट बढ़ाने के लिए आप छोटे छोटे से कॉम्पिटिशन करिए, स्टोरी राइटिंग करवाइए, बुक रिव्यू कराइए,
जो भी आपके आपके जो भी स्टाफ है उनमें कुछ ऐसा कर दीजिए कि डायरी राइटिंग करें, बच्चे रोज कितने बजे से कितने बजे तक बैठते हैं वो अपनी डायरी मेंटेन करें, उसको लाइब्रेरियन वेरीफाइड करें और उसके आधार पे उसको बेस्ट यूजर अवार्ड दीजिए। इस तरीके से हम उनकी रीडिंग हैबिट को बढ़ा सकते हैं। एडिंग टू द लीडरशिप नंबर एवरी डे, हमें रोज देखना है कि हमारे कुछ रीडर बढ़े कि नहीं बढ़े। हम लाइब्रेरी का एक क्लब बनाएं, उस क्लब में एक्टिव मेंबर को जोड़े और उनको टारगेट दें कि आप अपने 5 फ्रेंड को लाइब्रेरी लाएंगे। धीरे धीरे देखिए आपके रीडर्स बढ़ जाएंगे और वो सिर्फ ये एक मतलब आप क्या कहेंगे कॉर्पोरेट कल्चर है कि हमें कस्टमर को अपने साइड बुलाना है, जो इतने सालों से एक उपेक्षित क्षेत्र था उसको अब मौका मिला है कि हम इसको अपने मतलब अपने संस्थान में अपने कॉलेज में कैसे एक हाइलाइटेड एरिया बना सकते हैं, कैसे ऐसा जोन बना सकते हैं कि जो भी वहां से गुजरे उसमें प्रवेश अवश्य करे। ई गवर्नेंस इन द लाइब्रेरी, जैसा हमने पहले से बताया, सारे रिकॉर्ड आप बच्चों से कुछ भी मत छुपाइए, बच्चों को ओपेक दीजिए, उनका लॉगिन दीजिए, वो खुद देख लें, हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़े कि ये किताब है या नहीं है या कब इशू होगी, यदि स्टेटस इशू है तो आपको इशू। ई गवर्नेंस लाइब्रेरी में बहुत 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 जरूरी है, ट्रांसपेरेंसी के लिए, अपने काम को दिखाने के लिए ये बहुत जरूरी चीज है। प्रमोटिंग द यूज ऑफ ICT, आप लेजर सिस्टम रजिस्टर सिस्टम इससे बिल्कुल बाहर आ जाइए। ई ग्रंथालय में सारे ऐप से ऑप्शन है कि आप बुक को सिलेक्ट करके परचेस करके सारे काम उसी से करिए, इससे आपका ICT स्किल बढ़ेगा और आप अपने काम को अच्छी तरीके से कर पाएंगे और ऐसा करने से आप ई गवर्नेंस में अपने आप लाइब्रेरी को शिफ्ट कर लेंगे। मेक द लाइब्रेरी मोर एंड मोर यूजर फ्रेंडली, लाइब्रेरी को यूजर फ्रेंडली बनाना है। इसमें हमें कभी भी ये नहीं कहना है कि आज मत आओ कल मत आना, आज तो बंद हो गई, आज फलाने मीटिंग में जाना है, आज ड्यूटी नहीं। बच्चों को जितना आप विद्यार्थी को एंटरटेन करेंगे लाइब्रेरी के प्रति उनका रवैया पॉजिटिव रहेगा। किसी भी लाइब्रेरी का जो मेन कंपोनेंट होता है वो यूजर रहता है। कोई भी सर्विस, हम 100 सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन यदि हमारा यूजर सेटिस्फाइड नहीं है तो वो कुछ भी नहीं है। हम चाहे अपने प्रोफाइल में अपने 100 चीजें लिखते हैं कि हम ये देते ये देते, यदि बच्चों ने कह दिया नहीं ये कुछ नहीं देती तो आपका कुछ भी सर्विस वैलिड नहीं है। इसीलिए आपको लाइब्रेरी यूजर फ्रेंडली रहना है, जो भी यूजर आए उनको अच्छे से एंटरटेन करके उनकी प्रॉब्लम को सुनिए और उनकी प्रॉब्लम को सुन के पहले दिन में उन्हें रूल मत बताइए, जब वो बच्चा आने लगे तब धीरे धीरे कि नहीं आपको तो 2 किताब हो सकती हैं, आप फिर 15 दिन में जमा करके या दूसरे दिन जमा करके फिर किताब ले लीजिए। इस तरीके से हैंडल विद केयर वाला बच्चों के संग थोड़ा सा एटीट्यूड रखना पड़ेगा। टेक्निक क्या करना है, हमें अपनी लाइब्रेरी को प्रमोट करने के लिए, लाइब्रेरी नेटवर्क को प्रमोट करने के लिए, इसकी सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए हमें क्या करना है, छोटे छोटे से काम करना है। लाइब्रेरी रूल्स बना लीजिए, रूल्स ऐसे मत बनाइए जो कि आपको बच्चों को ऐसा लगे कि यहाँ तो इतने नियम है कि हम तो लेंगे नहीं किताब, बिल्कुल नहीं लेंगे। रूल्स एकदम सॉफ्ट बनना चाहिए और जो कि आपके पोर्टल पे दिखना चाहिए कि लाइब्रेरी ये रूल्स है। लाइब्रेरी के प्रचार के लिए उसका ब्रोशर बनाइए, अपने लाइब्रेरी की लिंक दीजिए, जो आप एक्टिविटी कराना चाहते हैं साल भर उसमें उसको दर्ज करिए। इस तरीके से लाइब्रेरी के ब्रोशर शुरू शुरू में जब फर्स्ट ईयर में बच्चे आते हैं तो आप उनको देंगे तो लाइब्रेरी के प्रति उनका नजरिया बदलेगा। इसी तरीके से पैम्पलेट बनवा सकते हैं आप, नोटिस जो भी लाइब्रेरी की एक्टिविटी करें आप उसके नोटिस बनाइए, नोटिस को डिस्प्ले करिए बोर्ड पे, जिससे बच्चों को आपके प्रति ये होगा कि हाँ लाइब्रेरी भिजवा देंगे मेल से। लाइब्रेरी ओरिएंटेशन, जब भी नए बच्चे आते हैं तो आप लाइब्रेरी ओरिएंटेशन प्रोग्राम करिए, उसकी सर्विसेज के बारे में लाइब्रेरी के बताइए। ये बहुत जब ये नैक इस चीज को बहुत अप्रिशिएट करता है कि आप जो न्यूली एडमिटेड बच्चे हैं उनको अपने सारे रूल्स सारी सर्विसेज के बारे में जानकारी देते हैं। लाइब्रेरी टूर्स, आप नए बच्चों को अपनी लाइब्रेरी घुमाइए, हर सेल्फ के पास लेके जाइए, बताइए कि यहाँ ये रखा है, यहाँ ये रखा है, यहाँ से आप ऐसे बुक ले सकते हैं, इस सब्जेक्ट की बुक यहाँ से ले सकते हैं, तो बच्चा लाइब्रेरी को उपयोग करने में हिचकिचाएगा नहीं। क्योंकि स्कूल से बच्चा आता है, स्कूल में लाइब्रेरी का इतना कॉन्सेप्ट नहीं रहता, तो नए आते हैं बच्चे तो थोड़ा उन्हें हेजिटेशन होता है, लेकिन आप सब बच्चों को मिलकर यदि सेक्शन में बांट के टूर करा देते हैं तो वो लाइब्रेरी के प्रति उनका नजरिया बदल जाता है। लाइब्रेरी बुक अरेंजमेंट एंड गाइड,
लाइब्रेरी बुक अरेंजमेंट एक बहुत ही टेक्निकल एस्पेक्ट होता है। आप कैसी भी किताब नहीं रख सकते कि फिजिक्स के बाद आपने बीए की रख दी, हिस्ट्री की रख दी, हिस्ट्री के बाद आपने फिर बायोटेक की रख दी। नहीं, लाइब्रेरी बुक का अरेंजमेंट एक साइंटिफिक वे में होना चाहिए। जैसा जो भी लाइब्रेरी प्रोफेशनल है वो जानते होंगे कि 00 फिर 100 फिलोसफी का, 200 रिलीजन का, 300 सोशल साइंस का, 400 लिंग्विस्टिक का, 500 साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। तो इस तरीके से आप एक ऑर्डर में बुक जमाइए। किसी भी रैक के पीछे कोई भी रैक लगा देना है तो बहुत ही मतलब आपको बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं माने जाएंगे और उस फील्ड के मास्टर भी नहीं माने जाएंगे जिसकी हमने शिक्षा प्राप्त करी है। तो इस तरीके से बुक अरेंजमेंट एक बहुत ही टेक्निकल एस्पेक्ट है। आप बुक को क्लासिफाइड करिए और ऑर्डर में जमाइए। ऑर्डर में जमाने के बाद हमेशा बुक का अरेंजमेंट लेफ्ट टू राइट होता है, उस तरीके से अरेंजमेंट करिए। उस अरेंजमेंट के साथ उनकी डिस्प्ले ग्लाइड अवश्य लगाइए कि ये रो है इस सब्जेक्ट की है, ये रो इस सब्जेक्ट की है, वहां जाने से ये सब्जेक्ट मिलेगा। क्योंकि लाइब्रेरी का जो अरेंजमेंट होता है उसके बारे में बहुत सारे लोग जानते नहीं है, इसलिए ये आपका काम है कि प्रॉपर गाइड का अरेंजमेंट करें जिससे बच्चा डायरेक्ट उसको जिस सब्जेक्ट की किताब चाहिए वहां वो चला जाए। गाइड में आप सब्जेक्ट लिखिए प्लस जो क्लासिफिकेशन का नंबर है, सपोज आपने सोशल पॉलिटिकल साइंस की रखी है तो 320 पॉलिटिकल साइंस का नंबर उसके बाजू में अवश्य लिखिए, जिससे बच्चा समझ जाएगा नेक्स्ट टाइम में कि अच्छा 320 वाली जो किताब होती है जो हम सर्च करते हैं वो पॉलिटिकल साइंस की होती है। तो इस तरीके से अपने प्रोफेशनल जो एकेडमिक्स हमारा है हमें उसका यहाँ फुल यूज करना है और लाइब्रेरी को इस तरीके से अरेंज करना है। अब बहुत सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस है जो लाइब्रेरी को करनी चाहिए और नेक्स्ट आप जब भी उनके पैरामीटर देखेंगे तो वो कुछ ऐसी ही एक्टिविटी के बारे में हमसे उम्मीद करते हैं कि आप ये करते हैं कि नहीं करते। ओपन एक्सेस सिस्टम जिसकी बात हम पहले कर चुके हैं, बुक फेयर, आप जितने भी वेंडर्स होते हैं जब आप टेंडर करते हैं तो एक टर्म एंड कंडीशन डालिए कि हमारे कैरिकुलम से रिलेटेड पुस्तकें आपको यहाँ पे बुक फेयर के रूप में अरेंज करनी पड़ेगी। जब वो बुक फेयर ऑर्गेनाइज करिए, आप अपनी फैकल्टी को आमंत्रित करिए, बच्चों को आमंत्रित करिए, तब आपका क्वालिटी कलेक्शन डेवलपमेंट होगा और उस तरीके से ये एक बहुत अच्छी एक्टिविटी होगी। इससे आप रीसेंट एडिशन भी आपको मिल जाएंगे, ऐसी बुक जिनके बारे में आप जानते नहीं थे वो भी हो सकता है आपकी नजर में आ जाए। तो ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, इसको आप कर सकते हैं। स्टॉक अपडेटिंग एक्टिविटी, जब भी स्टॉक वेरिफिकेशन होता है पुरानी फटी फटी किताबें जो सालों से आपके स्टॉक में जमी है उनको पिक करिए, उनका सेक्शन अलग बना दीजिए जिससे बच्चा है तो उसे रिसेंट और अच्छा कलेक्शन मिले, कोई फटी फुटी और दीमक लगी हुई किताब ना मिले जिससे कि वो कंफ्यूज हो और आपको भी रिकॉर्ड मेंटेनिंग में सुविधा हो। स्टॉक अपडेटिंग एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है, इसको आप अवश्य करिए। इशू ऑफ लाइब्रेरी यूज परमिट, कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनका पढ़ने में बहुत अधिक इंटरेस्ट होता है तो हम उसे एज अ गेस्ट ज्वाइन कराएं। जब विद्यार्थी फाइनल में निकल जाता है या एमए करके निकल जाता है लेकिन किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने हैं तो वो हमसे यदि लाइब्रेरी यूज की परमिशन चाहता है तो हम बेधड़क दें। आज के समय में लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ने वाले विद्यार्थी बहुत कम बचे हैं, लेकिन यदि हमारे पास कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं, आप गूगल फॉर्म बनाइए और जब फाइनल का बच्चा होता है तब उनसे आप ये पूछिए कि आप भविष्य में इस पुस्तकालय का उपयोग करना चाहते हैं। 5-6 क्वेश्चन बनाइए और उस क्वेश्चन को बना के आप उसका एक एक्सेल में रिपोर्ट निकाल लीजिए। यदि सब बच्चा आपका पॉजिटिव बोलता है, हाँ हाँ बोलता है, तो ये आपकी अच्छाई को रिफ्लेक्ट करेगा और ये डेटाबेस इतना अच्छा होगा कि आप नेक को दिखा सकेंगे कि हमने इतनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड करी कि ये हमारे संस्थान को, हमारे कॉलेज को छोड़ने वाले इतने बच्चे भी देखिए और लाइब्रेरी का उपयोग करना चाहते हैं। बहुत अच्छी गुड प्रैक्टिस है, इसको हमने अडॉप्ट किया है। इवनिंग बुक इशू फैसिलिटी, कुछ किताबें ऐसी होती हैं जैसे हम विद्यार्थी चाहते हैं पर हम नहीं दे पाते क्योंकि उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है, तो आप उनको ओवर अ नाइट इशू करिए। ठीक है आपको ले जाना है लेकिन ये चूंकि नंबर ऑफ कॉपी कम है या ये इस स्टेटस की है कि इसका पब्लिकेशन बंद हो चुका है तो हम उन्हें ओवर नाइट इशू करेंगे। या जो पत्रिका आती है, मैगजीन आती है, दूसरे दिन फिर कोई दूसरा बच्चा चाहता है तो उनको इवनिंग बुक इशू फैसिलिटी हम प्रोवाइड करेंगे कि आप शाम को ले जाइए, जाते वक्त रात में पढ़िए और सुबह लाके हमको इस समय तक वापस करिए। आपके यहाँ यदि हॉस्टल है तो ये हॉस्टल के लिए भी बहुत अच्छी फैसिलिटी है, इवनिंग बुक इशू फैसिलिटी, ये भी हम लोग ने अडॉप्ट किया है। न्यूज़पेपर क्लिपिंग सर्विस, आप न्यूज़पेपर को आप तरह तरह से क्लासिफाइड कर सकते हैं। जैसे हमने जो प्रैक्टिस करी है तो हिंदू पेपर में जो एडिटोरियल आता है उस एडिटोरियल को तो हम उसकी कटिंग करते हैं, उन पूरे एडिटोरियल को हम सब्जेक्ट वाइज क्लासिफाइड करते हैं कि
मैम आपका माइक म्यूट हो गया, प्लीज एक बार देख लीजिए। तो न्यूज़पेपर क्लीनिंग सर्विस में आप इसको क्लासिफाइड करके कोई भी पेपर जो आपको सही लगता हो, एडिटोरियल जिसमें आपको काम की न्यूज लगती हो, उनको ब्रॉडर सब्जेक्ट में क्लासिफाइड करके उतनी ही फाइलें बना लीजिए। उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी न्यूज़पेपर क्लिपिंग आती है उसमें डेट डाल के उस फाइल में आप लगा दीजिए। ये भी एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड होता है। जैसे आप देखते हैं बच्चों के ऐसे कंपटीशन होते हैं, कोई बच्चा यदि कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा है, तो ये उसको किस एस्पेक्ट की न्यूज़पेपर क्लिपिंग चाहिए, ये भी एक बहुत बढ़िया फैसिलिटी है। बुक बैंक फैसिलिटी सभी कॉलेजों में है और सभी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। बेस्ट लाइब्रेरी यूजर अवार्ड, आप तरह तरह की एक्टिविटी करिए, उनके पॉइंट बच्चों को दीजिए। जैसे रिव्यू राइटिंग 2 पॉइंट, ऐसे राइटिंग 3 पॉइंट, बेस्ट यूजर के लिए सारे पॉइंट को कलेक्ट करिए, लास्ट में आप अपनी रिपोर्ट सबमिट करिए कि मैडम हमारे इतने पॉइंट हो गए। अब उन पॉइंट के आधार पे प्लस जो उसका ट्रांजेक्शन डेटा है लाइब्रेरी में, उसकी रेफरेंस सेक्शन में उपस्थिति है, ये सब देख के आपको बेस्ट लाइब्रेरी यूजर अवार्ड दीजिए। ऐसा देने से दूसरे बच्चे प्रमोट होते हैं और वो भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। एक्टिविटी करने से ये मतलब नहीं है कि लाइब्रेरी वो उनको हमें प्राइज देना, नहीं, हमें उनको लाइब्रेरी की ओर आकर्षित करना है कि लाइब्रेरी कैसे तो भी वो आए। बस एक्टिविटी का उद्देश्य है, कोई भी अवार्ड का है क्या मतलब है? मतलब ये है कि हमारी लाइब्रेरी में आओ। ये हमारे यहाँ चूंकि ऑटोनोमस है इसलिए डिस्प्ले ऑफ आंसर बुक्स ऑफ पेपर वाइज हाईएस्ट स्कोरर, ये हम करते हैं। जो भी ऑटोनोमस संस्थान है अपने यहाँ जो हाईएस्ट स्कोरर है जिन्होंने टॉप किया है उनकी कॉपी रख सकते हैं, जिससे कि दूसरे बच्चे जो कि लर्नर हैं, जो कि अभी उस लेवल तक नहीं पहुंचे हैं कि वो अच्छे एडवांस लर्नर बन जाएं। नैक के पैरामीटर में आप देखते हो कि उनको लर्नर एडवांस लर्नर इससे बहुत मतलब रहता है। तो जो भी जो ऐसे हैं जो एडवांस लर्नर बनना चाहते हैं तो वो हाईएस्ट स्कोरर की कॉपी देख के उससे लिखने का तरीका सीख सकते हैं। डिस्प्ले ऑफ लीफलेट समय समय पे जो भी एक्टिविटी पूरे इवन पूरे भारत में होती है, कहीं भी होती है, उनकी लीफलेट शो करिए। आजकल तो मेल का जमाना है, सब आपको मेल आते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टूडेंट के लिए क्या कर रही है, कहाँ सेमिनार है, उन सब की लीफलेट आप डिस्प्ले करिए। मोटिवेशनल काउंटर, ये बच्चों के लिए आप अलग से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट इस समय बहुत अधिक चल गया है, कुछ ऐसी अच्छी किताबें, बड़े बड़े लोगों की बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी रखिए, एक काउंटर बनाइए जहाँ बच्चे मोटिवेट होते हैं। और आप कोर्स से ज्यादा हमारे यहाँ बच्चे ये किताबें पढ़ते हैं, इसका संग्रह हम हर साल 150 से 200 किताबें ऐसी खरीदते हैं जो उसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के रिलेटेड हों, क्योंकि ये बच्चों के समग्र विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, और ऐसे चीजों को नेक बहुत अप्रिशिएट करता है। जरा सा थोड़ी सी मेहनत होती है कि हमें अपने कलेक्शन में से प्लग करके ऐसी किताबों को अलग रखना। टेक अ बुक लीव अ बुक, ये हमने काउंटर डेवलप किया है कि आपके पास जितनी कोई भी किताब आप यहाँ से रखिए उसके बदले में आप यहाँ से एक किताब उठा लीजिए। आप यकीन मानेंगे पर डे 25 से 30 बच्चे आके कोई एक किताब, आप कोई फिक्शन है, किसी के पास शेक्सपियर का आप पढ़ लिया कोई काम का नहीं है, वो बच्चा आके उस सेल्फ में रख देता है और जिसने कोई नहीं पढ़ी है वो वहां से प्लग कर लेता है। बच्चे बस अपने आप रजिस्टर में एंट्री करके उठाते हैं, रखते हैं। ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। इवन हमने अपने फैकल्टी से भी रिक्वेस्ट किया है कि जिसके पास ऐसी किताबें हैं जो उनके घर में उपयोग नहीं है और विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है, लाके कृपया सेल्फ में रखें जिससे दूसरे विद्यार्थी उसका लाभ ले सके। ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है कि कोई भी एक किताब रखिए और कोई भी एक किताब उठा लीजिए। ओरिएंटेशन प्रोग्राम, आपको पहले भी बताया किस तरीके से हमें करना है कि नए बच्चे जो आते हैं उनको सारे लाइब्रेरी के रूल्स, उनकी फैसिलिटी एक ही बार में सब बता दीजिए, जिससे कि बच्चे बार बार लाइब्रेरी में आने में संकोच ना करें। लाइब्रेरी वीक सेलिब्रेशन, हमेशा हमने कहा लाइब्रेरी क्विज, लाइब्रेरी क्विज में आपको करना क्या है, आप पूछिए ना कि हमारे पिछले साल हमने कौन कौन सी नई लाइब्रेरी में ऐड हुई, पॉलिटिकल साइंस में कौन सी किताबें नहीं आई, या अभी अमृत महोत्सव में कौन कौन से ऐसे विद्यार्थी हैं जो आपके क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको ये क्विज इंपोर्ट करिए, गूगल में बनाइए और रेस कर दीजिए। बच्चे इसका बहुत एंजॉय करते हैं और इसके भी पॉइंट दीजिए। लाइब्रेरी ट्रेजर हंट हम लोगों ने किया था, उसमें अपने वेबसाइट, जो लाइब्रेरी की वेबसाइट में बच्चे नहीं जाते वो वेबसाइट से रिलेटेड क्वेश्चन डाल दीजिए आप,
कि बायोग्राफी ये है क्या, लाइब्रेरी में है क्या, यदि एटलस है कोई तो इस तरीके क्वेश्चन डालिए कि वो वेबसाइट सर्च करे और ढूंढे, ये सब ऑनलाइन हो जाता है। रीडर क्लब बनाइए, आप अपने जो अच्छे एक्टिव विद्यार्थी हैं रोज आते हैं लाइब्रेरी में उनका एक क्लब बना दीजिए और ये सारी एक्टिविटी कराने का जिम्मा उन्हीं को सौंप दीजिए। बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं और यदि उनको थोड़ा सा आप उनकी उनको अप्रिशिएट करते हैं तो वो काम को बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। इंफॉर्मेशन लिटरेसी प्रोग्राम, बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनको इंटरनेट सर्च करने में, मेन डेटाबेस सर्च करने में बहुत तकलीफ होती है और वो सही एप्रोप्रिएट साइट और डेटाबेस पे नहीं पहुंच पाते, सिर्फ गूगल सर्च करते रहते हैं। तो हमें उनकी हेल्प करनी है और कोई एक टाइम फिक्स कर लीजिए जब आप इंफॉर्मेशन, जैसे आपने सैटरडे फिक्स कर लिया, सैटरडे को 3 से 5 इंफॉर्मेशन लिटरेसी प्रोग्राम होगा। कोई भी विद्यार्थी यदि वेबसाइट सर्च करना चाहता है, लॉगिन में कोई प्रॉब्लम है, एनलिस्ट लॉगिन में कोई प्रॉब्लम है, डेटाबेस सर्चिंग में प्रॉब्लम है, तो इस समय आए और हम उसको पूरा सिखा देंगे। इस तरीके से हम यूजर को एजुकेट कर सकते हैं। एडवांस रिजर्वेशन ऑफ बुक, जब भी कोई बुक आती है अपने साइट पे आप लिंक कर दीजिए न्यू अराइवल, जब न्यू अराइव तो उसमें कर दीजिए एडवांस रिजर्वेशन, तो बच्चे बड़े उत्साहित होते हैं कि ये किताब तो पहले हमें चाहिए। और ये सब तरीके सिर्फ बच्चों को लाइब्रेरी में बुलाने के लिए है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन ये करनी ही है हमें एक्सरसाइज। इस तरीके से आप देखेंगे कि ये हमारी, हमने ये बुक एग्जीबिशन किया, ये हमारा न्यू अराइवल है कि कैसे नई बुक आती है एडवांस रिजर्वेशन के लिए हम यहाँ रख देते हैं और ये किताबें हम सिर्फ एक विद्यार्थी को 3 दिन के लिए देते हैं, पहले 3 दिन के बाद उसे जमा करना होता है। रेफरेंस सेक्शन में आप देख रहे हैं कि उनकी पूरी एंट्री होती है, बुक फेयर ऑर्गेनाइज करते हैं और न्यूज़पेपर क्लिपिंग आप देख रहे हैं, पॉलिटिकल इशू, लैंग्वेज इशू, इकोनॉमिक इशू, तो इस तरीके से हमने ये फाइलिंग बनाई हुई है। ऐसा आप भी कर सकते हैं, कोई भी काम ऐसा नहीं है जो कोई एक कर सकता है दूसरा नहीं कर सकता, सभी अपने प्रोफेशन बहुत दक्ष लोग हैं और बस थोड़ा सा चाहिए कि हम किसी से कोई जानकारी ले लें, उस तरीके से हम उस काम को बहुत अच्छे से संपादित कर सकते हैं। ये आप देखिए बुक डिस्प्ले है कि किस तरीके से हम बच्चों से डिस्प्ले कराते हैं और उन बच्चों को उन किताबों के बारे में पूरी जानकारी प्रोवाइड करते हैं। अब फैसिलिटी क्या क्या देना चाहिए लाइब्रेरी में, इसके बारे में भी आप पूरा चार्ट बना लीजिए। पूरा चार्ट बनाने के बाद आप टिक करते जाइए तो आपको इसमें कभी भी दिक्कत नहीं होगी। सर्कुलेशन सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं लेकिन डाटा रखना होंगे, रेफरेंस सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं लेकिन डेटा रखने होंगे। अब सभी के पास अपना ओपेक है, ऑनलाइन पब्लिक एसेस कैटलॉग है, उसकी लिंक दीजिए, बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप बना के उसमें आप लिंक शेयर कर दीजिए। फोटोकॉपी फैसिलिटी आप दे रहे हैं। करेंट अवेयरनेस सर्विस, करेंट अवेयरनेस सर्विस जो होती है, जो बच्चे को शॉर्ट रेंज सर्विस होती है थोड़े कम समय के लिए, बच्चा रैंडमली पूछता है। नहीं मेरा तो कनेक्ट हो रहा है लेकिन मुझसे नहीं हो रहा, जी हाथ रही, नहीं मुझसे नहीं आ रहा। करेंट अवेयरनेस सर्विस जो होती है जो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, बच्चा आता है और रेंडमली आपसे कुछ पूछता है कि मैडम ये हमें स्टेटिस्टिक्स